विश्व हिंदू परिषद की राष्ट्रीय योजना अनुसार प्रतिवर्ष लगने वाले दुर्गा वाहिनी के प्रांतीय शौर्य प्रशिक्षण वर्ग मालवा प्रांत प्रथम वर्ग नागदा जिले में परम पूज्य साध्वी हेमलता दीदी सरकार सरोसूनी राष्ट्रीय सह संयोजिका मातृशक्ति श्रीमती पिंकी पवार सह संयोजिका दुर्गा वाहिनी प्रांत मंत्री एवं दुर्गा वाहिनी मातृशक्ति पालक श्रीमान विनोद शर्मा मालवा प्रांत दुर्गा वाहिनी संयोजिका ज्योति प्रिया शर्मा की उपस्थिति में 12 जिले से कुल संख्या 480 में से 440 शिक्षार्थी एवं 40 शिक्षिकाओं के द्वारा सेवा सुरक्षा और संस्कार को आधार मानकर उद्घाटन सत्र हुआ। यह वर्ग दिनांक 24 मई को दीक्षांत के साथ समापन होगा। उद्घाटन समारोह में दुर्गा वाहिनी विभाग संयोजिका मानसी व्यास, जिला संयोजिका रानी व्यास, जिला अध्यक्ष ओजस सोलंकी, जिला मंत्री जितेंद्र पांचाल, जिला संगठन मंत्री मोहन सिंह राठौर, जिला संयोजक विशाल कट्टर, जिला सहमंत्री समरत सेन, जिला सहमंत्री राम गोपाल परमार, जिला धर्म प्रसार प्रमुख देवेंद्र सेन, जिला प्रचार प्रमुख डी के चौधरी, जिला सेवा प्रमुख रमेश बालाजी, प्रखंड मंत्री मनीष व्यास, गिरधारी लाल सोनी, अशोक सोनी, नरेंद्र माली, आकाश चौहान, मुकेश देवड़ा, रघुवीर सिंह पवार, विवेक प्रजापत, योगेश वर्मा आदि उपस्थित रहे। उक्त जानकारी विहिप जिला प्रचार प्रमुख डी के चौधरी द्वारा दी गई। उन्हेल से सतीश सोनी की रिपोर्ट।